सामने एक स्कूटी चल रही है, इस पर आपको जो राइड कर रहे हैं उसके सर के ऊपर आपको एक फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, और आते जाते और भी टू व्हीलर्स में आपको ऊपर फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो ज्यादातर गुजरातियों को पता ही है क्या है, पर एक्चुअली उत्तरायण यहाँ पर बोला जाता है, जो हमारे यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं, मकर संक्रांति पर यहाँ पर बहुत ज्यादा पतंगें उड़ाई जाती हैं, और इतनी ज्यादा उड़ाई जाती हैं कि उन पतंगों से हर बार किसी ना किसी का गला कटना या शरीर पे कहीं भी कट लग जाना। जो पतंगे कट गई होती हैं या फिर जो डोरें खींची जा रही होती हैं उनसे कई बार, तो अभी कुछ ही दिन पहले एक हादसा हुआ, एक किसी की गर्दन कट गई है और बहुत सीरियस कंडीशन में है वो आदमी। तो ये एक्चुअली जिसने भी ये इनोवेट किया है, यार वाकई में उस बंदे ने बहुत दिमाग लगाया है, बहुत माइंडेड आदमी होगा, उसने एक फ्रेम बना दिया है जो कि आगे टू व्हीलर पर फिक्स हो जाता है। तो इस सीजन में ये फ्रेम उस पर फिक्स कर दिया जाता है टू व्हीलर पर, और उसी को मतलब लगा के रखा जाता है जब तक ये सीजन चलता है, ताकि कोई भी अगर डोर की रास्ते में आती है, जैसे फ्लाईओवर पे हो गया या फिर कहीं रास्ते में भी हो गया, अगर कोई डोर रास्ते में आती है तो उससे कोई इंजरी ना हो, वो इस पे से होते हुए सर के ऊपर से निकल जाए। तो जिसने भी इनोवेट किया है बहुत अच्छा इनोवेट किया है, बट जो एक चीज इसमें ये भी है कि इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान कर रहा है वो करता है जो चाइनीज मांझा जो ये बनकर आता है ना, एक तो चाइना है इतनी घटिया चीजें बनाता है, तो एक और घटिया चीज है चाइना की चाइनीज मांझा, और हमारे इंडियंस को आदत होती है सस्ती चीजें खरीद लेने की। सस्ती तो सस्ती, उसे इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि वो कटता नहीं है, और यही रीजन है कि उससे सबसे ज्यादा जाने जाती है। तो भाई चाइनीज मांझे का यूज करना बंद करें, ऐसी बेवकूफी ना करें कि आपकी मौज दूसरे की सजा हो जाए, ठीक है, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। थैंक यू।